Good afternoon. Okay. Ji, sir. Good afternoon, everybody, and thank you so much for joining us this very special afternoon. Special isliye kyunki ye gana jo hum launch karne ja rahe hain wo is kahani ka jo I think it's the thread of the film, it's the soul of the film, and it really binds the entire narrative. Apart from the fact ki jab bhi main ye gana sunti hoon to romte khade ho jate hain, so we cannot wait to share this song with all of you. But more importantly, kyunki meri dost Lakshmi Agarwal hamare saath hain aaj, aur finally I think the media was very very curious. पहले दिन जब हम लोगों ने ट्रेलर लॉन्च किया तो बहुत लोगों ने पूछा कि लक्ष्मी कहाँ है, लक्ष्मी कहाँ है, तो यहाँ क्यों नहीं है, लक्ष्मी क्यों नहीं है, करेक्ट, वी हैव अ प्लान फॉर हर. तो फाइनली लक्ष्मी इज विथ अस. लक्ष्मी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस. थैंक यू कि आपने हमको मौका दिया ये कहानी दिखाने के लिए, बताने के लिए. बहुत ही इम्पोर्टेंट कहानी है, एंड थैंक यू कि आपने दिल से किया. नॉट वंस डिड यू डाउट अस, नॉट वंस डिड यू क्वेश्चन अस, और आपने जो भी किया है आपने बहुत दिल से किया है. एंड आई होप यू आर प्राउड ऑफ द मूवी दैट वी हैव मेड, एंड आई होप वी हैव बीन एबल टू डू जस्टिस टू योर इनक्रेडिबल एंड इंस्पायरिंग स्टोरी. तो अब मैं चाहूँगी कि लक्ष्मी कुछ कहें. थैंक यू दीपिका. टाइम तो वैसे 12:30 हुआ है, पर मैं हमेशा कहती हूँ गुड मॉर्निंग, जब जागो तभी सवेरा. मुझे बहुत खुशी है कि मैं मेघना मैम से 2016 में मिली थी, और मेघना मैम ने बोला कि लक्ष्मी हम इस कॉज पे काम करना चाहते हैं साथ में, क्योंकि अगर देखा जाए 2013 से पहले कोई भी एसिड अटैक वायलेंस को नहीं जानता था उस तरीके से, लेकिन जब खुद सर्वाइवर्स बाहर निकल के आई और अपनी स्टोरी को रखना शुरू किया तो वो हर कानों में वो आवाज़ गई, और जब वो आवाज़ गई तो आज वो एक फ़िल्म के रूप में बाहर आई. दूसरा ये भी कि सोसाइटी को ये फ़िल्म एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट देगी, और थैंक यू दीपिका जो आपने लक्ष्मी का रोल प्ले किया, और मुझे बहुत खुशी है कि एक्चुअल में जो ब्यूटी है आज आपने दिखा दिया कि ब्यूटी इम्पॉर्टेंट नहीं होती है. अवेयरनेस बहुत ज़रूरी थी, इस कॉज को बाहर लाना बहुत ज़रूरी था, और कहीं ना कहीं जो सर्वाइवर विक्टिमाइज होती है और जो सोसाइटी के दिमाग में जो तेज़ाब है, ये फिल्म के थ्रू लोगों के दिमाग से तेज़ाब निकलेगा. तो मुझे बहुत खुशी है कि आज हम लोग साथ में हैं और इस कॉज को आगे बढ़ा रहे हैं, और जो लोग विक्टिमाइज होते हैं उनको एक्चुअल में फाइटर के रूप में बाहर लेके आ रहे हैं. सो थैंक यू सो मच, और आप सब लोग भी ज़रूर जाइएगा मूवी देखने, और आप लोगों को पता चलेगा एक्चुअली में कि क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है. तो जब आप मूवी में देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा कि क्या होती है लाइफ में प्रॉब्लम्स. थैंक यू. ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी. इस फिल्म में ज़िम्मेदारी है और भरोसा है, और दोनों को निभाना बहुत ज़रूरी था हम सब के लिए. जैसे विक्रांत ने कहा कि एक साल से हम इस फिल्म पे काम कर रहे हैं, ये सफ़र हमारे लिए बहुत ही मेमोरेबल, बहुत ही प्रेशस रहा है. 8 दिन बाकी हैं, इसके बाद हम हमारी मेहनत आपके सामने सौंपेंगे. उस मेहनत का एक हिस्सा आज आपको दिखाएंगे, जो हमारा टाइटल ट्रैक है जिसका नाम है छपाक. उसको कंपोज किया है शंकर एहसान लॉय ने, लिरिक्स लिखे हैं गुलजार साहब ने, और उसे गाया है अरिजीत सिंह ने.